नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दाक को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम बांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है। भूख हड़ताल के 9वें दिन जारी किए गए वीडियो में उन्होंने कहा है, मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात बाहर तक पहुँचे और हमारे नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हो, लेकिन इतने दिन हो गए हैं एक आवाज तक नहीं पहुँची, तो मैं कल से सुबह वीडियो में अंग्रेजी में बात करूँगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी ज्ञात हो। बता दें, मीडिया इस खबर को नहीं उठा रहा है जिस कारण ये खबर दबी हुई है। सोनम बांगचू भी मीडिया को लेकर तंज कस चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने कानूनी तरीके से डोनेशन कलेक्ट किया था, हमारे उन बैंक खातों को बंद कर दिया गया है जिनमें डोनेशन से पैसा मिला था, रखा गया था। भाजपा सरकार ने हमारे बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह से विपक्ष के बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे तो लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आम लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। बैंक खातों को बंद कर दिए जाने के बाद हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस के 4 बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। इसमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और AICC के बैंक खाते शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। बाद में आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट आज गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये समिति ने लोकसभा विधानसभा के चुनावों समेत कई अन्य चुनावों को एक साथ कराया जा सकता है या नहीं, इस पर अपनी ये रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। ये किसान अपनी मांगों के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत नाम के सम्मेलन में किसानों ने खेती से संबंधित केंद्र की BJP सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के विरोध में नारे लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया है कि किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद रामलीला मैदान में ये रैली आयोजित करने के लिए पुलिस ने इस शर्त पर मंजूरी दी है कि इसमें 5,000 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। आयोजन स्थल तक कोई ट्रक या ट्रॉली नहीं ले जाई जाएगी और ना ही मैदान में कोई मार्च किया जा सकेगा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि दिल्ली में आज होने वाले किसान महापंचायत को फेल करने के लिए किसान विरोधी मोदी सरकार ने सीवर का गंदा पानी रामलीला मैदान में भर दिया है। किसान इस देश की रीढ़ है और ये मोदी सरकार किसानों के ऊपर बेवजह जो इतना अत्याचार कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। 2024 के लोकसभा चुनावों में इस किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद असम में इस कानून के हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि उनके राज्य में इस कानून की ज़्यादा अहमियत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दावे के पक्ष में तर्क दिया है कि CAA के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए असम से बहुत कम आवेदन जाएंगे, इसलिए ये कानून पूरी तरह महत्वहीन है। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिए जाने की आलोचना की है। न्यूज एजेंसी NI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की। उनसे असदुद्दीन ओवैसी को उस आरोप का जवाब पूछा गया था कि CAA एंटी मुस्लिम है। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस आरोप का तर्क क्या है। मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो 3 देश घोषित रूप से इस्लामी देश हैं, तो वहाँ धार्मिक प्रताड़ना कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ। उन्होंने बताया कि इस कानून में प्रताड़ना को मानदंड बनाया गया है। हालांकि जब उनसे कहा गया कि अमेरिका तो किसी को भी नागरिकता देता है, तो अमित शाह ने कहा, हम भी देते हैं, अप्लाई करें वो। ANI को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष के इस आरोप पर कि भाजपा CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं, वो करते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। PM मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले RSS की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
तीन दिनों की यह बैठक 15 मार्च से नागपुर में होगी, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 350 से अधिक सीटें जीतने की रणनीति, पूरे देश में समान नागरिक संहिता, मणिपुर हिंसा, किसानों के आंदोलन और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जैसे कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव सुनील बंसल और संगठन महासचिव बीएल संतोष जैसे कई सीनियर नेता इसमें भाग लेंगे। बताया गया है कि बीएल संतोष बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे और उस पर आरएसएस के केंद्रीय नेतृत्व से सुझाव मांगेंगे। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार गुजरात में बीजेपी इस बार फिर से क्लीन स्वीप कर रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 26 सीटों को लंबे अंतर से जीतने जा रही है। राजस्थान में भी यही हाल है। राज्य की 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार कमल खेलने जा रहा है। उत्तराखंड में भी कमल क्लीन स्वीप कर रहा है। यहाँ की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खेलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी कुल 4 सीटों पर बीजेपी की जीतने की संभावना है, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में केरल का सर्वे कांग्रेस का हाथ मजबूत करता दिख रहा है। वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर मैदान में हैं। सर्वे के अनुसार केरल की 20 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि भगवा दल बीजेपी का आउटकाउंट 0 पर रुकता दिख रहा है। सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में बीजेपी को निराशा मिलती दिख रही है। राज्य की 39 सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सभी पर जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी और AIADMK को कोई सफलता नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी साल 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। सर्वे में दावा किया गया है कि NDA आगामी इलेक्शन में 51% वोट हासिल कर सकती है। वहीं भाजपा नीत NDA को 74 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक पंजाब में कुल 13 सीटों में से कांग्रेस को सर्वाधिक 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पोल के मुताबिक यहां NDA और आम आदमी पार्टी को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां साल 2019 की तर्ज पर ही सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। बिहार की बात की जाए तो यहां न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में NDA को 38 सीट दी गई हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीट दी गई हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की आज दोपहर बैठक होगी। बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की 2 रिक्तियां भरने के लिए 5 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने के लिए बुधवार शाम बैठक की थी। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर आज बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। परनीत कौर पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही हैं। वहीं परनीत कौर को बीजेपी पटियाला से सीट दे सकती है, क्योंकि वो बीते 25 सालों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।